हम में से कई लोग सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना पसंद करते हैं, खासकर अगर किसी को इलाज के लिए एडमिट होना हो तो। हालांकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज महंगा हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था राठौर और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक। जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में एक फैसला लिया गया कि प्राइवेट अस्पतालों के उन कमरों के किराए पर 5% जीएसटी लगेगा जिनका किराया प्रति मरीज रोजाना 5,000 रुपये से ज़्यादा है। इसमें आईसीयू को शामिल नहीं किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीजों को आईसीयू छोड़कर 5,000 रुपये से ज़्यादा किराए वाले कमरों पर 5% जीएसटी देना होगा, क्योंकि अस्पताल उन्हीं से ये टैक्स वसूलेंगे। इतना ही नहीं, इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लाभ नहीं मिलेगा। बिजनेस टुडे से जुड़ी नीतू चंद्रा शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कहना है कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से भारतीयों के लिए इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी की लागत में और बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर स्थित आकाश हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आशीष चौधरी ने कहा, आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए हेल्थ केयर को सबसे अधिक सब्सिडी और जीएसटी छूट मिलनी चाहिए। हालांकि 5% जीएसटी से चीजें मुश्किल होंगी। इस नए टैक्स से अस्पताल का खर्च बढ़ जाएगा और कई मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस के आंकड़ों के अनुसार देश में 62% से ज्यादा मरीज प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि केवल 38% मरीज ही इन पेशेंट सुविधाओं के लिए सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज का रुख करते हैं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि भारत में ज्यादातर मरीज प्राइवेट अस्पतालों की सर्विसेज लेना पसंद करते हैं, इसीलिए इस फैसले का दूरगामी प्रभाव हो सकता है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का कदम उठाया है, तो कई सामानों पर मिल रही जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला भी लिया गया है। वहीं कुछ सामान ऐसे भी हैं जिन पर जीएसटी की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों 28-29 जून की बैठक में ये निर्णय लिए गए। जीएसटी काउंसिल की ये 47वीं मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी। इस सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी सुरभि ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जरूरी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉक के साथ। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉक पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।